अरे लै ले छोड़ा अरे दा पैसा दे दा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों को गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। काले तो परी चाय ले तो चाय कैसे पी रहे हैं दिखावा कैसे बता चाय तो पी रहो देखो चाय मम्मी बड़ी मम्मी दे रही है के देत बा तू लो परी के देत बा बोल दा तो बड़ी मम्मी खावा चा जा पिया। और आज हम अपनी नानी के साथ जा रहे हैं बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए। तो चलिए आज चलते हैं और आप लोगों को एंजॉय कराते हैं और बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन। तो फ्रेंड्स अभी जो है यहाँ पे हम लोग लड्डू ले रहे हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। 2022 अभी नानी हमारी पेमेंट करेंगी। गाइज यहाँ पे हम लोगों ने लड्डू ले लिया घूरपुर मार्केट में है अभी आप लोग देख सकते हैं। और ये जो लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन आप देख रहे हो अभी कुछ दिन पहले ही 9 तारीख को यहाँ दशहरा था उसी की लाइटिंग है। बाकी चौराहा तो आप लोग हमारा देखे ही हैं और नानी हमारी वहाँ पैसा काउंट कर रही है अपना। चलो तो चलिए आगे चलते हैं। अभी पेट्रोल नहीं गाड़ी में भरवा पाया क्योंकि मेरे पास वाली जो पेट्रोल टंकी थी वो बंद है। इस वजह से अभी आगे चलेंगे तो वहाँ पे फ्यूल अप करवाएंगे। तो चलते हैं अभी फ्यूल अप करवा के फिर हम लोग आगे के डेस्टिनेशन को तय करते हैं। पहुंच चुके हैं और यहाँ पे माला ले रहे थे हम। तो चलिए चलते हैं गंगा जी के किनारे और स्नान वगैरह करवाते नानी को, उसके बाद हम लोग बड़े हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसा व्यू है। बाढ़ के टाइम पे तो यहाँ पे पानी आ गया था, बाकी अभी तो काफी पीछे है। नानी हमारी जो है अभी ले रही है नारियल। अरे ले ले छोड़ा अरे दा पैसा दे दा। हमारी नानी का तो भैया जवाब नहीं, मार्जिन करने में बहुत आगे हैं। तो फाइनली हम लोगों ने दादी के यहाँ से तो नहीं लिया, बाकी यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया नारियल। बहु मार्जिन करती है मम्मी हमारी। भाई सुबह सुबह का व्यू आप लोग देख सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एकदम मन प्रसन्न हो गया। चलते हैं दर्शन करते हैं माता का और हनुमान जी का भी। नानी हमारी जा रही है नहाने के लिए। अब ये नहा के आए तब हम भी आशीर्वाद ले लेंगे, फिर पूजा पाठ करके हम लोग चलेंगे श्री भाई हनुमान मंदिर। अभी मेरी नानी जो है देख रहे हैं गंगा जल भर के आ रही दो दो कैन। स्नान वो कर लिए, पूजा पाठ करके हम लोग चलते हैं बड़े हनुमान मंदिर। बाकी यहाँ का व्यू आप देख ही सकते हो,
वो सामने शास्त्री ब्रिज और उसके आगे जो है अभी जो है पूजा पाठ हम लोग कर चुके हैं और नानी भी हमारी पीछे ही आ रही हैं। अब यहाँ से हम लोगों को चलना है बड़े हनुमान मंदिर, फिर उसके बाद घर। आज एक्चुअली मेरा एग्जाम भी है तो जल्दी से पहुँचना भी 12 बजे से है, अभी 10 बज चुके हैं, तो चलते हैं जल्दी से वहाँ पे दर्शन करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। वो है नानी, नानी नानी है। अरे कौनो दिक्कत नहीं बा, दिक्कत नहीं बा, मम्मी चला लगा बा, चला हाँ दियाली हुई में रहो ना, चला हुए बा, सब चला। दाल लड्डू हम ले लिए कहीं, चला मेन गेट से, एक गेट से चला गेट से। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं बड़े हनुमान मंदिर जी के पास, तो चलते हैं अंदर। ये हमारी नानी प्रसाद और ये लड्डू मैं लेके जा रहा हूँ, चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। आज का तो पूरा पूरा दिन ही बन जाएगा भाई साहब, दिल खुश हो जाएगा। तो ये है मंदिर परिसर, आप लोग देखे ही होंगे कई ब्लॉग में, मैं यहाँ पे आता रहता हूँ हमेशा, बट आज मॉर्निंग में यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारी नानी जी के कारण, क्योंकि बाढ़ के बाद मैं आया नहीं, सिर्फ बाढ़ को दिखाने आया था। और भीड़ आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे है, गाइस भीड़ देखो आप, भीड़ कितनी आप लोग भीड़ देख सकते हो, इतना ज्यादा भीड़ यहाँ पे है। अरे चला आप लोग भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं, सुबह सुबह कितनी ज्यादा जो है भीड़ है, यहाँ प्रसादी भी चढ़ाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, इतनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ है, फिर भी दर्शन हुआ अच्छे से। और ये नीचे वाला गेट है आप लोग देख सकते हो, यहाँ से भी लोग नीचे से आ रहे हैं। तो गाइज अभी जो है उन दादी का मैंने श्याम घी का पैकेट खोला तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, भगवान करे भोलेनाथ जो कि मुझे उनका आशीर्वाद लग जाए। बाकी इधर आप लोग देख सकते हो सभी लोग ना दिया वगैरह जलाते हैं, नानी मेरी यहाँ पूजा कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस तरफ मतलब सब लोग जिसको हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह करना रहता है आराम से बैठ करके पूरा पाठ वगैरह करता है, और वहाँ पे मेरी नानी जो है अभी दिया जला रही है, उसके बाद मैं पूजा करूंगा। तो दर्शन के लिए भाई बहुत जद्दोजहद करना पड़ा, काफी भीड़ है सुबह सुबह यहाँ पे, और भाई हो भी क्यों ना, यहाँ के धाम की बात ही कुछ और है। आकर के हम मन प्रसन्न हो गया भाई साहब, मजा आ गया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और हनुमान जी की जय जरूर लिखिएगा।
क्योंकि 12 बजे से मेरे एग्जाम्स है, तो इस एग्जाम में भी पहुंचना है और यहाँ पे 11 बज चुका है। फाइनली जो है मैं घर पे आ चुका हूँ, एग्जाम वगैरह सब कुछ दे दिया हूँ और अभी जो है शाम के 4 बज रहे हैं और यहाँ पे मौसम आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा हो रखा है वहाँ पे। बाकी गाइज मेरी तो तबीयत खराब हो गई है, थोड़ा सा सर्दी हो गई है, इस वजह से आवाज़ भारी भारी सी भी लग रही होगी आप लोगों को। बाकी चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए, नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कर दिया करिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी से ठीक होके फिर से नए ब्लॉग में मिलते हैं।